हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मतलब ये कह लो कि एक खुशखबरी वाला दिन है। मतलब आप लोगों की जो फेवरेट स्टोरी है ना, उसका फाइनली जो सीज़न 5 है वो अपलोड हो गया है। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे मैं कौन सी स्टोरी की बात कर रही हूँ, और जो नहीं समझे उन्हें मैं क्लियरली बता देती हूँ। मैं कुकू FM की स्टोरी इश्क जुनून की बात कर रही हूँ, जिसका सीज़न 5 जो है वो लाइव हो चुका है। तो यानी कि आप लोग एपिसोड्स को जाके सुन सकते हैं, और जिनको काफ़ी वेट था तो फाइनली वेट जो है वो ख़त्म हो गया है। और मुझे नहीं पता कि आगे के इसके एपिसोड्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर पहले की तरह ही टॉर्चर है तो मुझे आप लोग मत कहना सुनने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे रिव्यू का इंतज़ार करते हैं। तो देखेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि क्या चीज़ें होती हैं, और अगर बना पाई मैं वीडियो तो, या मैं उसे सुन पाई तो डेफिनेटली मैं उसका जो रिव्यू है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों को बताऊँगी कि ये स्टोरी कैसी है और कैसी नहीं है। बाकी तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि अगर आप लोगों ने सुना है तो आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी और सुनने लायक है या नहीं है। तो अगर आप लोगों ने ये ऑडियो बुक के सीज़न 5 को सुना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या चीज़ें हैं, और कितना ज़्यादा आपके दिमाग के जो स्क्रू हैं वो टाइट हुए और ढीले हुए, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत भर भर के टॉर्चर देखने को मिलेगा। तो कितना टॉर्चर आप बर्दाश्त कर पाओ ना, उसी हिसाब से स्टोरी को सुनना। और अगर आप में बहुत सहन शक्ति है तो डेफिनेटली जाके सुन सकते हो, वरना तो इच्छा आप लोगों की है। बस एक ही चीज़ हमेशा जो मैं बोलती हूँ वही मैं बोलूँगी, और वो ये इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव मुझे डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लास्ट सीजन में जो चीज़ें की थी उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगा था पूरा का पूरा, मैं रियलिटी में मैंने कभी किसी स्टोरी को लेकर ऐसा नहीं बोला, लेकिन सच में पूरा बर्बाद कर दिया था इन्होंने स्टोरी को। और वो प्रॉपर एक वर्ड होता है ना, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप लोग खुद समझ जाओ कि सच में मुझे ऐसा फील हुआ कि वो होता है ना एक, कि हम फिर भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एकदम से कबाड़ा हो गया सब कुछ, बिल्कुल वैसा सही। सच में मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा जो मैंने बोल दिया, बट अब ठीक है, जो भी है। आप बस मुझे बता देना क्या चीज़ें हैं, आप लोगों को लगता है कि मुझे रिव्यू शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता ही दोगे। तो आई होप ये अपडेट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।